अस्सलामुअलैकुम। इज़्ज़त माहब जनाब कई दर्शन रिजवी साहब चेयरमैन मनाटी कमेटी ऑफ इंडिया, जनाब सभी अब्बाल नबी साहब सेक्रेटरी वफ कौंसिल, अताबाद साहब, पैसर बाकी साहब और तमाम हजरात, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रिजवी साहब का, नबी साहब का, बाकी साहब का। और आपको ये बता दूँ कि इनकी पोस्ट क्या है, चेयरमैन मनाटी कमीशन ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर पोस्ट है। अभी आप लोगों को मालूम नहीं कि ये कितना बड़ा मर्तबा है इनका, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केंद्र कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर रैंक है आपका। और क्योंकि नाम गैरुल हसन है, लिहाजा नाम की हैसियत से आपने कहा कि मैं 24 घंटे इमाम हसन के चाहने वालों के लिए मौजूद रहूँगा, दरवाजे खुले रहेंगे। ये आपके भी गयूर हैं, पंचतन के गयूर हैं, तो आपके भी गयूर हैं। बहुत बड़ी बात है कि इतनी ऊंची पोस्ट पर रहने के बाद और ये कहना कि 24 घंटे मोबाइल नंबर आपको दे देना, ये इनके लिए फख्र की बात नहीं है, ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे दरमियान ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं माई कॉम में। हमें इसके ऊपर फख्र है, गर्व है, प्राउड है। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह करे कि और मंजिल आगे बढ़े। इसके बाद सभी अब्बास नकवी साहब हैं, ये सेक्रेटरी के बराबर इनकी रैंक है, बहुत बड़ी रैंक होती है। अभी आपको पता नहीं कि इनकी रैंक क्या है, ये भी बहुत बड़ी रैंक है, सेक्रेटरी लेवल की रैंक है। और वफ के मामले में जो प्रॉब्लम्स आपको हैं वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनका नाम सफ़ी है, सफ़ी का मतलब आप जानते हैं, ये भी दोस्त हैं। ये दोनों लोग ऐसे हैं इस टाइम पर, इससे आप काम ले सकते हैं। तीसरी बात, जैसे अभी जनाब गुलशन रिजवी साहब ने कहा कि स्कीम्स हैं, मेरी गुजारिश है कि उन स्कीम्स को यहाँ डिस्प्ले कराया जाए, यहाँ पर है, बगरे में है, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं, लोगों को अभी नहीं मालूम कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो उनको बताया जाए कि ये स्कीम्स हैं। जनाब अताबाद नकवी साहब ये कोशिश में लगे, और कैसर बाकरी साहब का काम बताने की ज़रूरत नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने दिखाई पड़ रहा है, सड़कें आप देख रहे हैं, पंखे लगे हुए हैं जिनमें से पानी की बौछार आ रही है, रात में भी 12 बजे भी सफाई कर्मचारी मौजूद हैं, और कितना बेहतर इंतजाम है। और बाकी ताउन की आपकी बात है कि उसमें आप कितना ताउन कर सकते हैं, और हम लोग जितने भी हैं यहाँ पर गुलामे गुलामाने आले नबी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, गुलामे गुलामाने मौला अली हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, हमारे यहाँ दोनों मौजूद हैं। ज़रब यदुल्लाही में मौला अली का सामने दरगाह है, और सजदे शब्बीरी में मजलिस इमाम हुसैन की यहाँ हो रही है, दोनों चीज़ें जमा है। और आखिर में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए जोश मलियाबादी के इस खते के साथ कि नूए बनी इंसान के तारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है। तो ये बेदारी आपको पैदा करना है, इंसान को बेदार करने के लिए कोई और नहीं, आपको बेदारी करना है कि मौला ये कहें कि ये हमारे चाहने वाले हैं। और आप वो हैं कि जोश ने कहा कि जिनकी रगों में आतिश बदरो हुसैन है, वो सूरमा का इसमें ग्रामी हुसैन है, हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत, लब्बे क्या हुसैन, लब्बे क्या हुसैन, लब्बे क्या हुसैन। मेरी आपसे गुजारिश है, ये कैसर नकवी साहब के लिए, सफी अब्बास नकवी साहब के लिए, कैसर बाकी साहब के लिए, अताबाद नकवी साहब के सबके लिए दुआ करें, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं मोमिन मोमनात उनके लिए दुआ करें। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे, हमारी हाजिरी कबूल करे, और आगे हमें मौका मिले और इन लोगों को मौका मिले कि यहाँ पर और चार चांद के दिखाई पड़े। वाह।